हेलो वीडियो देखने वालों, सुबह से हम अंबाला कैंट के अंदर घूम रहे हैं और टिक्कू भैया भी हमारे साथ है। लेकिन जाते जाते हमने सोचा एक नॉन वेज आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं जो बहुत सालों से पेंडिंग है। जी हाँ, मैं जब से वीडियोस बना रहा हूं हर बार सोचता हूं यहां का आके वीडियो बनाऊंगा, बट हर बार रह जाता है। वहाँ लेके आया हूँ, सिर्फ लिमिटेड चीज़ें दिखाऊँगा। चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। और हमारे सामने है ओल्ड मुर्गे वाला। जी हाँ, बैंक स्क्वायर इंदिरा चौक के बिल्कुल साथ है ये ओल्ड मुर्गे वाला। नई बिल्डिंग बनी है, पहले ये इंदिरा चौक पे था। और यहाँ का गूगल मैप, लोकेशन, एड्रेस, कॉन्टेक्ट सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये है इनकी सिटिंग स्पेस, देखिए फुली एसी, 40 से ऊपर इस वक्त टेम्परेचर है, लेकिन बढ़िया कूलिंग और साफ सुथरा बना हुआ। इस रेस्टोरेंट के कर्ता धर्ता सोनू जी हमारे साथ हैं, और सोनू जी को मैं बचपन से जानता हूँ और मुझे पता है इनकी स्ट्रगल डेज का। सोनू जी, पुराने टायर पंचर से आज इतना बड़ा नाम हो गया ओल्ड। ये 2000 सन की बात है, तब हम भी छोटे होते थे, एक ही उम्र के थे। दोनों भाइयों ने स्ट्रगल करा, आज ये दिल्ली सेट हैं, हम अंबाला सेट हैं, पर जो पुरानी यादें वो भूली नहीं जाती, मतलब इस चीज़ में बड़ा हो रहा है हमारा। और इस रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या है? इसका सुबह हम 11 बजे शुरू कर देते हैं। अच्छा। रात के 11 बजे तक है हमारा, रात के रेगुलर चलता रहता है। और किसी दिन छुट्टी भी रखते हैं? ट्यूजडे छुट्टी होती है जी हमारी, ठीक है। मंगलवार को हम बंद करते हैं, और बाकी जो दिन त्यौहार होते हैं तो हम नहीं मानते, जैसे नवरात्रि हो गए तो हम नहीं करते, क्योंकि हमारा नॉन वेज का काम है, चीज़ को हम मानते हैं। और कोई बाहर से आए, दिल्ली या पंजाब साइड से, कोई दो चीज़ें वो आए और वो यहाँ जरूर खाए, ऐसी कौन सी चीज़ है? सबसे पहले तो आए जो हमारा जो कीमा हाट डॉग है और कलमी कबाब है, वो भूलने वाली चीज़ नहीं है। मैं अपने मुँह से इस चीज़ की तारीफ करूँगा, आप पहले ट्राई करो तो फिर आप उसके बाद मेरे को बताओगे यार ये चीज़ है या नहीं है चीज़ के साथ। और हमारी सबसे बड़ी जो मेहनत हमारे फादर साहब की है, जो आज दुनिया में नहीं है, पर उन्होंने अपना जो बूटा लगाया है हम उसकी पूरी रखवाली करते हैं। ये हमारे लिए सबसे जरूरी चीज़ है। ये खाना पीना भी एक जरूरी है, पर जो फादर साहब ने हमारे लिए करा है वो कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच हमारे बात करने के लिए, धन्यवाद। आप आए हमारे दुकान पे, टाइम निकाल के, यही हमारे लिए बहुत। थैंक यू सो मच। और ये देखिए यहाँ पे ये तवा सजा हुआ, और इस पे ये तवा चिकन है। ये देखिए रंग देखिए कितना प्यारा, ऊपर रोगन शाइन मारता हुआ, वाह बहुत लाजवाब लगता हुआ। और ये है इनका तवा मटन, लाइट में थोड़ा येलो 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 लग रहा है, लेकिन ये येलो है नहीं, काफ़ी डार्क ग्रेवी है इसकी, और बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू। और ये जो हम यहाँ खाने आए हैं हॉट डॉग, उसका है ये कीमा तैयार, जो हॉट डॉग्स के अंदर जाएगा। और ये लीजिए, ये देखिए ये कीमा है और मटन कीमा, ये इस बन के अंदर डाल दिया गया, और क्वांटिटी देखिए। और अब इसको तवे पे बढ़िया से पकाया जाएगा। ये यहाँ की स्पेशलिटी है। हॉट डॉग सब बनाते हैं, कीमा हर बंदा डालता है, पर ये प्योर मटन का है और रान का कीमा है, मतलब इसमें बिल्कुल आपको इतनी सॉफ्टनेस होगी कि पनीर भी फेल है इसके आगे, मतलब इस चीज़ की बिल्कुल इसमें ना आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा तेज मसाले, बिल्कुल लाइट, आप 4 हॉट डॉग भी खा लोगे तब भी आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई अच्छी या कोई हैवी चीज़ खाई है। अच्छी आपका फेवरेट है। और ये तैयार होता हुआ हमारे लिए हॉट डॉग। कीमा में क्या क्या डालते भैया? अच्छा जी, कीमा में तो हम जैसे प्याज हो गया, ये मसाला बना के, टमाटर पीस के, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, ये अदरक उदरक काट के सारा कुछ मतलब बना के डालते हैं। अच्छा, और ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है कीमा हॉट डॉग। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो बहुत साल पहले यहाँ की एक फ़ोटो आपको, इसी हॉट डॉग की फ़ोटो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वाह, और ये तैयार हो गया, खुशबू आनी शुरू हो गई है बहुत स्ट्रॉन्ग। और इसकी अब प्लेटिंग की तैयारी, बीच में से कट कर लिया जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया है, और प्लेट आ गई है
चटनी प्याज से सजी हुई, और ये गया जी हॉटडॉग। कीमा देखिए बाहर आ रहा है, इतनी कीमे की क्वांटिटी है। वाह। और ये मटन चाप जो कि फ्राई हो रही है, ये गया जी दो पीस, बढ़िया से बड़े बड़े मटन चाप। तो हाफ डन हो चुका है ऑलमोस्ट। और ये ऑलमोस्ट डन है, पूरा बढ़िया से फ्राई हो गया है। वाह। तो लीजिए टेबल हमारा सज गया है, और फाइनली हम अंबाला का नॉनवेज ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले कीमा हॉटडॉग जो बना था, और उसके बराबर में ये मटन चाप है जो फ्राइड है। सुपर। तो एक एक बाइट ले दी। बाइट लो सबसे पहले। सही, आप भी उठाओ। मैं लेता हूँ। एंड बिलीव मी, कीमा की क्वालिटी बहुत बढ़िया लग रही है, दानेदार है बिल्कुल कीमा। यू नो इट इज नॉट वेरी वेरी फाइनली ग्राउंड, जिसका टेस्ट हुआ बाइट नहीं आती। सो लेट अस जस्ट हैव दिस बाइट एंड सी की खाना कैसा है। भाई सर कमाल कर देता, क्या कमाल कर देता, बहुत ही बढ़िया स्वाद, क्या कमाल का खाना है सर। This is amazing. कीमा कैसा लगा? फ्लेवर बहुत बढ़िया लगा, कीमे का फ्लेवर, कीमे की बाइट, कीमे की दानेदार, ऊपर से बन क्या है फालतू में, बहुत मोटा मोटा बन नहीं, छोटा मोटा 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 बन नहीं है। सो आपका जो कीमे का फ्लेवर अच्छे से आ रहा है, दिस इज अमेजिंग। चटनी के साथ हल्का सा लगा के खाओ। मैं चटनी लगा के भी खाता हूँ, बट यार सर कमाल है। एंड दिस इज लाइक 100 रुपीस। ये आपको इंडिया में शायद ही मिले ये चीज़ बोले। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ, ये अंबाले में ही मिलती है। ये जो चाप है ये भी हमने किसी को नहीं खाया। सही। और ये 100 रुपीस का है? हाँ जी 100 रुपीस। मतलब 100 रुपीज में आपको कीमा हॉटडॉग मिल रहा है, और कीमे की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, और कीमे की क्वालिटी इतनी बढ़िया है, यार वापस आना पड़ेगा भाई। ये अब अच्छा मानते हो ना, पेट में जगह बचाई क्यों थी आखिरी में, थोड़ी सी जगह बचा के रखो। टिक्कू जी का बिल्कुल पेट भर चुका था, लेकिन मैंने कहा स्पेशली कि आप थोड़ी सी जगह बचा के रखो, आखिरी में जाते जाते आपको बड़ी सही चीज खिलाऊंगा, क्योंकि वो शाम को मिलती है। सर ये तो कमाल है। आई रिक्वेस्ट यू, मेरे आप एक प्लेट कीमा, साथ में चार बन अलग दे दीजिएगा मुझे, साथ में आप अपना, मैंने आपका जो देखा था आई थिंक अफगानी चिकन, एक अफगानी चिकन पैक कर दीजिएगा। भाई खाना इतना अच्छा है कि मुझे लग रहा है कि मैं घर जाके जब आराम से खाऊंगा, या तो कल ब्रेकफास्ट में रात को, तो भाई मैं आराम से फिर से खाऊंगा। द फूड क्वालिटी इज अमेजिंग अमेजिंग। फिर अपना यू नो सीरियसली आई कैन टेल यू वन थिंग, द क्वालिटी ऑफ मटन is super amazing. Let me also have the chaap. Chaap देखो, close up लाओ। ये देखो। दिल्ली में आसानी से ऐसी चापें मिलती हैं। हम देखो five star में भी खाया हमने, street food भी खाया हमने। The quality is so amazing. I just can't tell you, भाई मतलब आई एम, ये जो एक एक आवाज है ना वो मेरे दिल से निकल रही है, मैं सोच के भी नहीं बोल रहा, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ फूड इज सुपर अमेजिंग। एंड उसके लिए मुझे ये भी है कि भैया इट इज नॉट ओनली द प्रिपरेशन, इट इवन द इंग्रीडियंट्स दैट दे आर यूजिंग हैज टू बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी टू गेट दिस काइंड ऑफ टेक्सचर, दिस काइंड ऑफ टेस्ट, एंड दिस काइंड ऑफ। ये भी पैक करवा दे। मैं आपको सच कहूं, I can come to Ambala specially to eat this.
वापस आते हुए हम रुके मूर्थल के मन्नत ढाबा पे। यहाँ हमने किया वेज डिनर, बहुत ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, और आपको भी यही कहेंगे कि ये डिसेंट स्टॉप है, आप यहाँ रुक सकते हैं और फैमिली के साथ यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंजॉय कर सकते हैं। और ये थी हमारी लजीज सी पेशकश अम्बाला की छोटी सी ट्रिप। होप आपको पसंद आया होगा, फिर कभी आपको किसी दूसरे शहर ले चलेंगे। जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।